फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल आर्या वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। ये मैं बनाऊंगी रेडी मिक्स पाउडर से। ये देखिए, मैंने MTR का गुलाब जामुन रेडी मिक्स लिया हुआ है और इसकी क्वांटिटी है 160 ग्राम। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। और ये देखिए, ये मैंने एक बड़ा कप ऑयल लिया हुआ है और ये एक कप चीनी है और ये आधा कप दूध है और ये मैंने 3-4 इलायची को थोड़ा सा कूट लिया है। आप अगर चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीनी मैं आपको बता देती हूँ, ये 250 ग्राम चीनी है एक कप। ये देखिए, ये एक कप यानी 250 ग्राम चीनी है। तो मैं इस पैकेट को पूरा नहीं बनाऊंगी फ्रेंड्स, मैं इसमें से आधा पैकेट यूज़ करूंगी, आधा पाउडर ही बनाऊंगी मैं। तो इसलिए मैंने 250 ग्राम चीनी ली हुई है। अगर आपको पूरा पैकेट यूज़ करना है तो फिर आप 400 से 500 ग्राम चीनी लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं चाशनी। ये देखिए, मैंने कढ़ाई रखी हुई है चाशनी बनाने के लिए, गैस ऑन कर दिया है और मैं ये एक कप चीनी इसमें डाल दूँगी और जितनी चीनी हम डालेंगे उतना ही हमको पानी डालना है। और हमको थोड़ा बीच बीच में चलाना है इसे, जिससे ये चीनी इसमें मिक्स हो जाए और हमारी चाशनी बनना स्टार्ट हो जाए। इस तरीके से देखिए, चीनी हमारी धीरे धीरे घुल जाएगी और हमको मीडियम फ्लेम पे ही चीनी पकानी है। ये आधा पैकेट मैंने इसमें निकाल लिया है, आधा पैकेट ही यूज़ करना है मुझे, इसलिए मैं इसमें से आधा ही लूँगी। अब ये देखिए, इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। ये चेक कर लेंगे, अगर लम्स हैं तो हम उसको थोड़ा हाथ से सही कर देंगे। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और मिलाते जाना है, एकदम सारा नहीं डालना है। और हमें इसे हल्के हल्के हाथों से करना है मिक्स। हमको इसे रोटी की तरह, आटा जो हम गूंथते हैं वैसे नहीं करना है। अगर आप वैसे करेंगे तो हमारे गुलाब जामुन जो है वो टाइट हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमको हल्का हल्का हाथों से करना है धीरे धीरे। ये देखिए, हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम देख लेते हैं हमारी चाशनी बनी या नहीं। ये देखिए, चाशनी हमारी बन रही है। और हमको एक तार की चाशनी नहीं बनानी है गुलाब जामुन के लिए। अगर हम इतनी गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो फिर ठंडी होने के बाद जम जाएगी। तो हमको बस चाशनी वैसे बनानी है, हमें देख लेना है कि हमारी चाशनी चिपक रही है या नहीं। बर्तन में निकाल के देख लेते हैं हमारी चाशनी चिपकना स्टार्ट हुई है या नहीं। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा चाशनी बनने में। ये मैंने थोड़ा सा घी लिया हुआ है, अब इसको हम अपनी हथेली पे लगा के इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। कोशिश करिएगा कि एक ही साइज के हो, सारे हमारे एक ही साइज के बन जाए। पहले मैं सारी लोई तोड़ लूंगी एक ही साइज की। ये मैंने सारी लोई तोड़ ली है, अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल बना लूंगी। चलो हम देखते हैं हमारी चाशनी तैयार हुई या नहीं। ये देखिए, अब तो चाशनी काफी गाढ़ी हो गई हमारी।
आपको पास से दिखाती हूँ। अब हमारी चाशनी बन चुकी है, ये अच्छे से चिपक रही है, यानी अब हमारी चाशनी बन चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी, गोल गोल। ये देखिए इस तरीके से हमें बनाने हैं। इस तरीके से कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए इसमें। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे बॉल्स बना लूँगी। इस तरीके से कर लेंगे, ये एकदम गोल हो जाएंगे। ये देखिए ये मेरे सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये मैंने गैस ऑन करी है और कढ़ाई रखी हुई है इसके ऊपर। अब हम इसमें गुलाब जामुन तलने के लिए ये मैंने जो तेल लिया हुआ था एक बड़ा कप, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम तेल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे। एक एक करके डालना है हमको, एक साथ सारे नहीं डालना है। और इस तरीके से चलाना है। ये देखिए हमको थोड़ा सा इसे डीप फ्राई करना है, उसको डीप फ्राई करना हल्का नहीं। इसी तरीके से हम सारे डाल देंगे और इसी तरीके से हम सारे सेक लेंगे थोड़े थोड़े करके। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे अच्छे से सेक लिए हैं और अब हमारे गुलाब जामुन सारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए ये जो चाशनी मैंने बनाई थी। अब हमको ये चाशनी में कम से कम इसे एक घंटे के लिए रखना है और एक घंटे के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। क्या एक घंटा हो चुका है, अब हम अपने गुलाब जामुन चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बने हैं, कितने फूले फूले बने हैं हमारे गुलाब जामुन और अपने साइज से डबल हो गए हैं ये। और इन्होंने चाशनी ऑब्ज़र्व कर ली है, ये देखिए कितनी चाशनी ऑब्ज़र्व कर ली है गुलाब जामुन ने। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने तो फ्रेंड आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।